मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोड़िया देव में प्रतिभा सम्मान एवं भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन ग्राम कोड़िया देव में स्थित बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर के पंडा जी श्री गुलाब सिंह प्रजापति के मार्गदर्शन एवं प्रजापति समाज सेवा समिति के संरक्षक श्री राधेश्याम प्रजापति भोपाल के सहयोग से व प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष हौतम सिंह प्रजापति के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में सामूहिक महाती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने पहुंचकर बाबा के दर्शन कर विशाल भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान प्रदेश भर से पधारे हुए प्रजापति समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं एवं समाज के वरिष्ठ एवं युवा समाज जनों का पुष्प माला व साफा बांधकर माला पहनाकर शील्ड और प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान समाज के वरिष्ठ और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा शाजापुर नगर की बेटी अंजलि प्रजापति का विशेष सम्मान शाल श्रीफल व शील्ड भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर प्रजापति समाज व ग्राम कोड़िया देव के अन्य समाज के वरिष्ठ एवं युवाओं का भी स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर कैप्टन जे एन प्रसाद प्रजापति, पूर्व माटी कला बोर्ड अध्यक्ष राम दयाल प्रजापति, प्रजापति जिला संघ अध्यक्ष कन्वर लाल प्रजापति, विधानसभा अध्यक्ष के सुपुत्र नीर प्रजापति, जिला पंचायत अध्यक्ष मनमोहन नागर, भाजपा भोपाल ग्रामीण अध्यक्ष केदार सिंह मंडलोई, भाजपा फंदा मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र मेवाड़ा विशेष तौर पर मौजूद थे। आपको बता दें कि इस सम्मान समारोह में समाज की प्रतिभाओं के साथ साथ गांव के समस्त प्रतिभाओं के साथ मंदिर के पुजारी, गांव के चौकीदार, सरपंच, उपसरपंच, सोसाइटी स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, शासकीय स्कूलों के शिक्षकों एवं मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला, स्वच्छ भारत अभियान में गांव को जागरूक करने वाली बालिकाओं के साथ गांव के तमाम समाज सेवियों का भी सम्मान किया। इस अवसर समय समाज बंधुओं का आभार राधेश्याम जी प्रजापति भोपाल व हौतम सिंह प्रजापति ने आभार व्यक्त किया। मंडाव राजगढ़ से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। कि एक कैंची और एक सुई, दोनों में क्या फर्क होता है? एक कैंची होती है वो बड़ी होती है और सुई होती है वो बहुत छोटी होती है। कैंची बड़ी होने के बाद भी काटने का काम करती है, लेकिन सुई छोटी होने के बाद भी जोड़ने का काम करती है। तो मैं वो सुई के रूप में आप सभी समाज बंधुओं के लिए जोड़ने का काम करना चाहता हूँ। आप सभी वरिष्ठों बड़ों का आशीर्वाद बना रहे और अपनी बात खत्म करते हुए बस इतना कहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर वो समंदर भी आएगा। मत थक ऐ प्रजापति समाज, मत परेशान हो ऐ प्रजापति समाज, संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रजापतियों का डंका भी बजेगा, मजा भी आएगा, उसका मजा भी आएगा। जय हिंद जय भारत। मैं हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ इस सफल आयोजन के लिए। मैं अकेला या हमारी समिति या समाज नहीं, पूरा क्षेत्र इस समिति के लिए धन्यवाद, इस आयोजन के लिए धन्यवाद का पात्र है। हमारा गांव एवं ये पूरा क्षेत्र हमारे लिए एक परिवार की तरह है। हमने आज जो हमारे गांव एवं क्षेत्र के लोगों का जो सम्मान किया है, इसकी इच्छा लगभग 5 सालों से मेरे मन में थी। इस गांव में लगभग 40 साल पहले इस गांव के 15 साल मेरे दादाजी चेयरमैन रहे। ये सब इस क्षेत्र के लोगों की महानता है, जबकि प्रजापति समाज का हमारा एक अकेला घर है। इसके बाद हम महिला सरपंच में हमारी बुआ इस गांव की प्रथम महिला रही, ये भी हमारा सौभाग्य है। और इस क्षेत्र के सभी समाज जनों एवं अन्य समाज जनों का हमारे प्रति अपार प्रेम है। हमने आज जो मंच के माध्यम से सभी का स्वागत सम्मान किया, ये हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि लगभग 50 सालों से हमारे परिवार को इस क्षेत्र का प्रेम एवं स्नेह मिलता आया है। अगर हमारे में कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी यहाँ पधारे और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आपने जो समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं
एवं आभार प्रकट करता हूँ। जय श्री।